निर्मला उपन्यास का यह 7वां भाग प्रस्तुत है। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही ना दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज की पर थोड़ी से होते हैं। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता, उसे फेंकना भी चाहूं तो फेंक नहीं सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है, किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की रहस्यमय साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। साहस से मतलब हंसी के साथ मुस्कुराते हुए। वह अनिंद छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उसने उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात ना थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस ना हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला कहती है, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तो तरम भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए कुछ खाने का, निकालिए जरा, खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्द आना, खाना ठंड हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ।
मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़ कर कहा, या तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ मांगने क्यों आता है, दीदी से क्यों नहीं कहता। निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी, वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था, उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी, और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ स्त्रिया अभी तक उसके मन में उदय ना हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भाव सिकोड़ने का आशय ना समझ कर बोली, मैं क्या जानूँ उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बात नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे, तब से उनकी ओर आंख तक ना उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पन्नों के सिवा और कुछ पढ़ते ही ना थे, पत्रों के सिवा और कुछ नहीं पढ़ते थे, इसका समय ही ना मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम और कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर ऐसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से ना बन पड़े, देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष ना हो सकता था कि वह क्या करता है, वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो, मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को एक घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता, आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है, अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊँगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते, मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील कोई हो, वकील बोल रहे हैं, वकील साहब कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह ना दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, तुम अपने दो चार साथियों को लेकर उसके घर की खपराइल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास ना करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिरा कर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए
चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है, वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और उसका कारण पूछा, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहाँ जाना भी ना पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह नहीं होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था, तो 50 अर्जियाँ उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घुमा फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या? मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती, कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर दे देती हैं। रुक्मणी, तो यह त्रिया चरित्र क्या जाने, या उन्हीं की लगाई हुई आग है? देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास पहुँची, उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का शुभ अवसर वह हाथ से ना जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक ना देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूँ वहाँ सुधारें, सब कामों की देख रेख करती रहें, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हो, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा? क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हूँ? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लेवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती, न पहनने की। जहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों का सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है? जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय तुरंत छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसे उसके पढ़ने का हर्ज ना होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी।
कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। जोनिया बदल कर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ ना थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था, बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भांप लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम ना करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूँगा, मतलब लड़की पढ़ाने के लिए रखूँगा या मैडम रखूँगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा, तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं, या तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया, नहीं यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय ना समझे, बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ, अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था, फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हैं। बोले मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडों की नानी मरती है, और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, या उल्टे रो रहा है? अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था, या उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूँगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातः कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे, इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे, वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली ना थी।
सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों से के प्रार्थना पत्र पहले से रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे, रात दिन ऐसे प्राणियों से सबका रहता था, साबिका रहता था, जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं, समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इनकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह ना थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब दो ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी, मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी। लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते ना देखा था, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी ना जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर ना निकलता। उसका आत्मभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था, आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था, मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या, इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ, क्यों दीदी? यह ऐसा ही था, रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी, खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना, दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो, तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए, या नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो? जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों को देख रेख क्या करेगी, यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे गले चिपटूं? पूछो कई दिन से दूध नहीं पिया, जाके कमरे में देखा हो, नाश्ते के लिए मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं, मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध हो रहा है, बेचारे को घर में आने तक की मनाही है।
मेरे पास आते भी डरता है, और भी मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम दो फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या दो ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठ एक मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? दो ही फुलके तो लिए थे, मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा। दाल और तरकारी भी तो थी, ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, या नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वह आदमी आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत की, जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। दो चार मित्रों से भी जिक्र किया, लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद ना कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुछ संगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की तरफ ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देख कर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़ा। आज मुझसा अभागा संसार में कोई और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है, वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों को हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़धड़ करने लगा कि आँखें आज की देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी। तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं मुंशी जी। क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली मुंशी जी। विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर जाने कहाँ कहाँ गायब रहता है।
मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा, तुम कुसंगत में पढ़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस और कोई बात नहीं थी। बेटा, मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसके मन में अपने पिता का निष्ठुर और ना जाने क्या क्या समझ रखा। वे माता से उसे कोई गिला ना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से बेहोश हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाबू को अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे स्वामी की इसी अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफ़, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखें। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नज़र ना आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ दूँगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूँगी, उसकी सूरत ना देखूँगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ते थे। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासीन कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हम जोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती। किसी काम में जी ना लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि
वहाँ मेरा विवाह ना करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता, वही अब बनाओ चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव का पर क्या लट्टू होगा, इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही पर निर्मल ने चू तक ना की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी पर ना कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करे, उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका ना जाने क्या परिणाम हो। वह यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय ना होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी, इसके सिवा दूसरा उपाय ना था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है, या भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला को हो रही थी। और इसी के साथ यह सातवां भाग समाप्त होता है। अगले आठवें भाग की चर्चा अगली बार। धन्यवाद।